हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नया ट्रैक्टर जो कि मैसी 9563 स्मार्ट के नाम से है, इसको लेकर आए हैं। आपको बताएंगे पूरी इसका कितना टॉर्क है, कितना सीसी और एचपी, सारा कुछ पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। कृपया आप वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम की बात करते हैं। तो भाइयों, ये की देख सकते हैं आप, इस बटन से आप इस गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं इसको दबाने से, और इसको लाइट ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल कार जैसी, आपको इसमें चाबी जो की मिलेगी बिल्कुल कार जैसी मिलेगी। अब हम ट्रैक्टर की कुछ फिजिकल जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि भाइयों, ये ट्रैक्टर आपको, पहले तो नाम देखिए इसका, 9563 स्मार्ट, और ये ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव में है। बात करें अगर इसके एचपी की, तो भाइयों ये 63 HP में आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर सीसी की बात करें, क्यूबिक कैपेसिटी, तो इसका 2700 ही सीसी रखा गया है, और ये 3 सिलेंडर में आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इसके बात करें इंजन रेटेड आरपीएम की, तो भैया इसका 2200 इंजन रेटेड आरपीएम आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके टॉर्क की बात करें, तो भाइयों टॉर्क इसका 63 HP का ट्रैक्टर है तो टॉर्क भी ज़्यादा ही है, 275 Nm आपका इसको टॉर्क देखने को मिलेगा, 275 Nm इसका टॉर्क है। अब स्टार्टिंग हम फ्रंट से करते हैं। फ्रंट में भाइयों जो बम्फर है इसका, छोटा सा लेटेस्ट बम्फर है, और उस आगे आपको 25-25 किलोग्राम की 4 प्लेटें लगी हुई मिलेंगी। तो मतलब 1 क्विंटल का वजन आपको आगे की तरफ रखा हुआ मिलेगा, और वही कुछ इसका 45-50 किलोग्राम का ये बम्फर होगा, तो आपको 1.5 क्विंटल का वजन इसके आगे फ्रंट में रखा हुआ मिलेगा। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो इसमें आपको प्लेट बढ़ा भी सकते हैं, जो कि 25-25 किलोग्राम की प्लेटें आती है। अभी लग रहा है कि 1-1 प्लेट और इसमें आ जाएगी। वहीं अगर हम टायर साइज़ की बात करें, तो पिछला टायर आपको 16-9-28 में देखने को मिलेगा। वहीं अगर अगले टायर की बात करें, तो आपको 9.5-24 का टायर, अगला टायर बड़ा टायर आपको देखने को मिलेगा। पिछले टायर में आपको 45-45 किलोग्राम के दो वेट, सॉरी 35-35 किलोग्राम के दो वेट लगे हुए मिलेंगे, जिससे कि जो पिछला टायर है वो स्लिप ना मारे और पिछला वजन मेंटेन रखे। आगे आपको जो लाइट मिलेंगी वो देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉनिक के साथ में ये लाइटें लगी हुई हैं, जो कि कम और ज़्यादा दूरी तय करने के लिए अलग अलग आपको देख सकते हैं कि ये कर सकते हैं। आगे की तरफ जाली लगी हुई है, जो कि कूलिंग सिस्टम को, इंजन के जो कूलिंग सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही शानदार जाली लगाई गई है, और अच्छे लुक के साथ में आपको देखने को मिलेगा। यह गोल शेप में मिलेगा, और यह आपको सिंगल पीस बोनेट देखने को मिलेगा। खोलना भाई साहब, ट्रैक्टर कुछ इस टाइप से खुलेगा, कुछ इस टाइप से आपको, या सिंगल पीस बोनट आपको खुलता हुआ इस टाइप से नज़र आएगा। अंदर की तरफ देखें तो अंदर ऊपर की तरफ वही लाइट वाली वायरिंग है, वो भी बहुत सेपरेट लाइटिंग के साथ में सेपरेट वायरिंग है, देख सकते हैं आप, कोई नुकसान होने वाली वो है नहीं। अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी भाई मैसी में जितने हैवी ट्रैक्टर हैं उनमें आगे की तरफ ही एमेरॉन की बैटरी आगे की तरफ रखी हुई मिलेगी। वहीं अगर एयर क्लीनर की बात करें, तो ड्राई टाइप वाला आपको एयर क्लीनर इसमें देखने को मिलेगा। कूलिंग सिस्टम के लिए देख सकते हैं आप, कूलेंट बॉक्स अलग ही रखा हुआ है, जो कूलिंग सिस्टम को मेंटेन रखता है। वहीं इसमें एक और सिस्टम है, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये इंटर कूलिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जो कि एयर को ठंडा करके भेजता है सिलेंडर में। या पहले 9500 में आता था, अब इसमें भी आता है, तो यह इंटर कूलिंग सिस्टम इसमें अवेलेबल आपको मिलेगा। मैसी का जो फ्यूल टैंक है वो ऊपर के ही तरफ रखा हुआ है, इसमें भी आपको मिलेगा। मैसी में ज़्यादातर फ्यूल टैंक सभी ट्रैक्टरों में ऊपर ही रखे हुए आपको मिलते हैं। तो यह 63 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, और इसमें एक बहुत ही अच्छा सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उधर उस साइड में, जो कि यह इसमें यह सेंसर बताता है कि अलर्ट होने लगता है कि इसमें अगर गंदा फ्यूल आपने डाला है, तो आपको इंडिकेटर पर वो अलर्ट होकर बताने लगेगा कि यह गंदा फ्यूल है, तो आप उसको निकाल के फिर से फिल्टर करके आप ये डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें सुविधा की गई है। बात करें इसके इंजन की, तो भाइयों इसका इंजन जो है वो सिप्सन इंजन के साथ में ही है, बाकी ये पंप इसका CRDI पंप में आपको देखने को मिलेगा। ये पंप के दो गए हैं, देख सकते हैं वो आगे की तरफ, ये देख सकते हैं आप आगे की तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है चारों तरफ, अभी दिख ना रहा है साफ, अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर में भाइयों ये आपको फ्यूल फिल्टर देखने को मिलेगा, ये भाइयों इनविजिबल फ्यूल फिल्टर है। ये एक ऐसा फिल्टर है जो कि कुछ फ्यूल में हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं पार्टिकल्स, या उनको भी फिल्टर करके वो भेजता है पंप में। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि भाइयों पंप की लाइफ टाइम बनी रहती है, और ज़्यादा कोई जल्दी ख़राबी नहीं आती है। तो ये इनविजिबल आपको इसमें फ्यूल फिल्टर आपको देखने को मिलेगा।
भाइयों एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस ट्रैक्टर में जो देखें आप वायरिंग है वो इतना शानदार तरीके से कवर्ड है कि भाइयों हमें तो नहीं लगता किसी भी ट्रैक्टर में ऐसी वायरिंग कवर्ड होके आती हो। देख सकते हैं आप बहुत ही सेपरेट तरीके से कवर्ड की गई है, जो वायरिंग पूरे वायरिंग सिस्टम कवर्ड करके रखा हुआ है इस ट्रैक्टर में। और इस ट्रैक्टर में आपको हीट गार्ड भी देखने को मिलेंगे, ये हीट गार्ड कवर जो हैं ये आपको इसमें लगे हुए मिलेंगे, जो कि इंजन की गर्मी को जो कि ड्राइवर के पैरों में ना लगे उसके लिए आपको इसमें हीट गार्ड लगे हुए ट्रैक्टर में मिलेंगे। और भाइयों मैं एक अच्छी सी जानकारी देना चाहूँगा, जो इसका फोर व्हील ड्राइव है, जो ये टू व्हील ड्राइव से फोर व्हील ड्राइव में ये शाफ्ट जो कनेक्ट करती है, तो ये भाइयों नीचे की तरफ ना होके ये साइड में है। इसका ये बेनिफिट है कि कभी कभी ट्रैक्टर मेड़ में या फंस जाए या कहीं लग जाए तो ये सॉफ्ट लगती है, मगर इस ट्रैक्टर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये साइड में आपको लगी हुई मिलेगी। वही अगर इसका अगला एक्सल की बात करें तो अगला एक्सल आपको देख सकते हैं पूरा तेल में डूबा हुआ है, पूरा एक्सल मिलेगा आपको। और यह डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा, देखिए आप इस तरफ भी है और दूसरी तरफ आपको इसमें इस तरफ भी, तो ये डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। जहाँ अगला जो एक्सल इसका है वो स्ट्रेट टाइप का है, फिक्स एक्सल इसका नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि फोर व्हील ड्राइव है, तो ये फिक्स एक्सल आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसका अगला और पिछला एक्सल दोनों प्लेनेटरी ड्राइव है, देख सकते हैं प्लेनेटरी ड्राइव का ये बना हुआ है लोगों, और वहीं इसका पिछला एक्सल भी आपको पीडी में ही देखने को मिलेगा। वहीं अब हम ट्रैक्टर के पिछले एक्सल की बात करें तो भाइयों पिछला एक्सल आपको पूरा पीडी प्लेनेटरी ड्राइव एक्सल देखने को मिलेगा, जो कि तीन प्लेट इस तरफ और तीन प्लेट इस तरफ आपको रखी हुई मिलेंगी। और ये इसकी जो ब्रेक हैं वो उसमें ओआईबी ब्रेक देखने को मिलेंगे, यह ट्रैक्टर ओआईबी ब्रेक के साथ आता है और यह पूरा एक्सल तेल में डूबा हुआ आपको मिलेगा। वही इस ट्रैक्टर में आपको थ्री पॉइंट लिंकेज ये देख सकते हैं, इसमें आप कल्टीवेटर रोटावेटर इस सब की सेंसिंग के हिसाब से अलग अलग इसको आप इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, तो इसमें थ्री पॉइंट लिंकेज भी आपको देखने को मिलेगा। वही अगर इसकी हम पीटीओएचपी की बात करें तो भाइयों इस ट्रैक्टर का पीटीओएचपी आपको 53 मिलेगा, 53 आपका इसका पीटीओएचपी देखने को मिलेगा। और इस ट्रैक्टर में आपको भाइयों क्वाड्रा या ये थोड़ा नया मॉडल है तो इसमें आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ मिलेगा, तो ये पीटीओ का लीवर ये रहा, तो ये क्लच ये इंडिपेंडेंट पीटीओ मतलब होता ये है कि इसका क्लच से कोई लेना देना नहीं होता है, क्लच दबाओ या गियर डालो तो वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो ये आपको इसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ मिलेगा। उसका लीवर ये आपको देखने को मिलेगा, वहीं ये आप लीवर देख सकते हैं, अगर टू व्हील ड्राइव चलाना चाह रहे हैं तो टू व्हील ड्राइव चला सकते हैं, अगर फोर व्हील ड्राइव चलाना चाहें तो फोर व्हील ड्राइव चला सकते हैं। ये उसका टू व्हील और फोर व्हील ड्राइव का ये लीवर आपको जस्ट साइड में रखा हुआ मिलेगा। वहीं ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी आपको 2050 किलोग्राम इसका ये लिफ्ट मतलब 20.5 क्विंटल या लिफ्ट से ट्रैक्टर उठा लेगा। आपको लिंक लेवलर की बात करें तो इसमें लिंक लेवलर आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में आपको लिंक लेवलर देखने को मिलेगा। वहीं इसमें भाइयों पीछे की तरफ आपको टेंडम पंप रखा हुआ मिलेगा, टेंडम पंप जो कि कुछ ही ट्रैक्टरों में मैसी के आते हैं, तो इस ट्रैक्टर में आपको टेंडम पंप रखा हुआ मिलेगा, वो भी ये आरएमबी प्लाउ चलाने के लिए या ट्रॉली के लिए। तो भाइयों इसमें आपको ट्रिपिंग ट्रॉली पाइप किट दो लगी हुई आपको साथी में मिलेंगी। तो सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि इसमें टेंडम पंप लगा हुआ है, जो कि बड़े इम्प्लीमेंट चला सकता है, आरएमबी प्लाउ या ट्रेंचर या कुछ भी जो चलते हैं, तो यह इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि अलग से इसमें एक पंप रखा हुआ आपको मिलेगा पीछे की तरफ। जो इसमें मडगार्ड दिए हुए हैं वो 9500 जैसे ही मडगार्ड दिए हैं बड़े से, देख सकते हैं आप हैवी से दोनों तरफ आपको हत्थे लगे हुए मिलेंगे, तो यह आपको पीछे की तरफ आपको हैलोजन लाइट लगी हुई मिलेगी। वही टूल किट बॉक्स जस्ट आप मिडगार्ड में लगा हुआ देखेंगे, और ये बोतल का जो बोतल स्टैंड भी आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा। जो इसका साइलेंसर है वो गार्ड के साथ में जाली वाले गार्ड के साथ में लगा हुआ मिलेगा, जो कि अगर हीट हो जाए अगर किसी का हाथ पड़ जाए तो वो इतना नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये आपको इसको इसमें आपको गार्ड लगा हुआ मिलेगा। और भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको टर्बो लगा हुआ मिलेगा, जो कि इस तरफ है आपको टर्बो इस ट्रैक्टर में मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट टर्बो का है, तो इस ट्रैक्टर में आपको टर्बो भी अवेलेबल है, टेंडम पंप भी इसमें देखने को मिलेगा। वहीं आप ये देख सकते हैं यूटिलिटी कन्वर्टर लगा हुआ मिला है, देख सकते हैं आप साइलेंसर के जस्ट पास में लगा हुआ है यूटिलिटी कन्वर्टर, जो कि यह जो पोल्यूशन कन्वर्ट करता है और जो सल्फर जैसी गैसें होती है उनको ये फिल्टर करता है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म आपको पूरा फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप शानदार प्लेटफॉर्म के साथ, और इस
सिंगल स्टेप के साथ आपको पावदान मिलेगा, वही सीट आपको एडजस्टेबल सीट मिलेगी। और ये ट्रैक्टर में यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और इस ट्रैक्टर में आपको सीट भी कुछ अन्य ट्रैक्टरों की जगह अलग ही इस ट्रैक्टर में आपको सीट देखने को मिलेगी। अब हम आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। 1789 इंजन आरपीएम पर यह आपको 540 पीटीओ देगा, देख सकते हैं। ये देखो 1789 इंजन आरपीएम पे आपको यह 540 देगा। यह आपको टेम्परेचर गेज आपको बताएगा टेम्परेचर इस साइड में। इधर आपका फ्यूल इंडिकेटर है, तो ये आपका इसका ये कुछ इस टाइप से आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल टाइप का देखने को मिलेगा। वहीं इस ट्रैक्टर में रेस का जो लीवर है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैक्सिमम, अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो मैक्सिमम होगी, और नीचे की तरफ आपको जो कम होगी मिनिमम होगी। तो ये आपको रेस वाला इंडिकेटर ये लीवर आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। वहीं इस ट्रैक्टर में भाइयों इसमें ABCD गियरबॉक्स आता है, जो कि सुपर सटल लीवर के साथ में कम और ज़्यादा आपको स्पीड देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ लो और नीचे की तरफ हाई, तो ये आपको ABCD गियरबॉक्स में देखने को मिलेगा। वहीं स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग बहुत ही छोटा सा स्टेयरिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल और छोटा सा स्टेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसका इसमें हाई और लो वाला या लीवर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और इसमें जो पैडल हैं वो देख सकते हैं, पैडल मिलेंगे, जो कि 9500/7250 में जैसे पैडल आते हैं उसी टाइप से पैडल ये देखने को मिलेगा। वहीं ये आपको पार्किंग ब्रेक का कुछ इस टाइप से ये देखने को मिलेगा, जिसे आप हैंड ब्रेक कहते हैं। तो यह उसका हैंड ब्रेक का ये लीवर है। वहीं इस ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिलेगा, जो ये देख सकते हैं लीवर जो है ये डिफरेंशियल लॉक का लीवर है। इसको दबाने से पिछला एक्सल कनेक्ट हो जाएगा, दोनों एक्सल पिछले कनेक्ट होकर एक साथ पावर देने लगेंगे। बात करें इसके गियर बॉक्स की तो भाइयों पार्शियल सिंक्रोमस इसका गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर किसी भाई को अगर कोई जानकारी लेना है तो वह कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। धन्यवाद।